हेलो स्टूडेंट वेलकम टू जेपीआईटी नलंदा नालंदा मैं मनीष कुमार आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हाइड्रोलिक्स के बारे में बताएंगे चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोलिक्स क्या होता है देखिए हाइड्रोलिक्स हम लोग का फ्रूट मैकेनिक्स के अंदर एक चैप्टर है उसको पढ़ना है हाइड्रोलिक्स एक ग्रीक वर्ड है इसको हम लोग तोड़ेंगे तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर आप लोग का पता ही होगा हाइड्रो का मतलब वाटर वाटर होता है एंड आइलोस के मतलब पाइप होता है यानी हम लोग जो ये स्टडी करेंगे इसमें जो वाटर को बिहेवियर को देखते हुए स्टडी करेंगे वाटर का क्या बिहेवियर होगा उसको स्टडी करेंगे जैसे नीचे लिखा हुआ है हाइड्रोलिक्स इज जो ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग डीलिंग डीलिंग विथ द स्टडी ऑफ बिहेवियर बिहेवियर ऑफ फ्लू यानी किसी भी फ्लूड के बिहेवियर को स्टडी करेंगे उसका क्या नेचर है एंड लिक्विड एंड वाटर दोनों हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे और एक क्या होगा रेस्ट एंड मोशन में होगा और नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट आपका इट इज ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड इन मोशन मतलब कोई भी लिक्विड है उसका मोशन है मोशन में अगर कोई लिक्विड है तो उसका हाइड्रोलिक्स एक प्रैक्टिकल आपका एप्लीकेशन है नीचे देखिए आपका लिखा हुआ है हाइड्रोलिक सिस्टम इज ए पावर ट्रांसमिशन सिस्टम इन विच द ट्रांसमिशन ऑफ पावर टेक प्लेस थ्रू ए फ्लू मीडियम मतलब हाइड्रोलिक सिस्टम हम उसे बोलेंगे वहां पर क्या करेंगे लिक्विड के थ्रू यानी फ्लूड के थ्रू हम लोग पावर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसमिशन करेंगे जिसे हम लोग हाइड्रोलिक्स बोलते हैं चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हाइड्रोलिक्स मशीन क्या हो गया यानी वैसा मशीन जिसमें हम लोग फ्लूड के थ्रू पावर को ट्रांसमिशन करेंगे लिक्विड के थ्रू पावर को ट्रांसमिशन करेंगे वैसे मशीन को हम लोग हाइड्रोलिक्स मशीन कहते हैं जैसे हाइड्रोलिक जैक हो गया हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो गया उसमें क्या होता है उसमें कोई लिक्विड भरा हुआ रहता रा है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम लोग पावर को या फिर फोर्स को ट्रांसमिशन करते हैं बाई लिक्विड लिक्विड के थ्रू हम लोग प्रेशर को या फिर पावर को ट्रांसमिशन करते हैं वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अब नेक्स्ट है आपका हम लोग का हाइड्रोलिक्स के अंदर पंप पढ़ना है एक्चुअली पंप होता क्या पंप आपको मकेनिकल एनर्जी को मकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हाइड्रोलिक एनर्जी में बाई हाइड्रोस्टेटिक एनर्जी भी इसे बोलते हैं फ्लो एंड प्रेशर के थ्रू कोई सा भी फ्लूड होगा उसको हम लोग मकेनिकल एनर्जी के थ्रू उसको हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे बाइसिक इक्विपमेंट को हम लोग पंप बोलेंगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब देखिए पंप को हम लोग क्लासिफाइड किए हैं हम लोग का दो तरह का पंप यहाँ पर दिख रहा है एक है आपका रोटोडायनेमिक पंप और सेकेंड है आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट पंप भी बोलते हैं और अगर रोटोडायनेमिक्स को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं तो एक है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप और नेक्स्ट है आपका एक्सियल फ्लो पंप और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को देखा जाए तो ए, इसको रेसिपिकेटिंग पंप हो गया और एक रोटरी पंप हो गया हम लोग का दो पंप के बारे में स्टडी करना है एक है फर्स्ट है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप और दूसरा है आपका रेसिपिकेटिंग पंप हम लोग का रेसिपिकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में स्टडी करना है चलिए अब सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है क्या इसको समझते हैं कहता तो है सेंट्रीफ्यूगल पंप इज ए हाइड्रोलिक मशीन सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या एक हाइड्रोलिक मशीन है कन्वर्ट मकेनिकल एनर्जी इंटू हाइड्रोलिक एनर्जी मतलब मकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें हाइड्रोलिक एनर्जी में यूज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द यानी बाईल पर कौन सा फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है क्या एक पॉइंट से अगर देखा जाए तो पॉइंट के बाहर की ओर जो फोर्स लगते हैं वो उन्हें हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं तो किसी फ्लूड पर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अप्लाई करेंगे और और मैकेनिकल uh, एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे वैसे पंप को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं नेक्स्ट नीचे है आपका नेक्स्ट पॉइंट में देज आर द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज द टाइप ऑफ पंप फॉर द ट्रांसफर ऑफ फ्लू फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल मतलब ऐसा इक्विपमेंट है सेंट्रीफ्यूगल पंप जो लो लेवल से हाई लेवल तक फ्लूड को ट्रांसफर करता है लो लेवल से हाई लेवल तक यहाँ पर लिखा ट्रांसफर ऑफ फ्लूड फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल फिर नीचे है आपका इट इज यूज टू प्लेस लाइक एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में हम लोग यूज करते हैं म्यूनिस्पल वाटर वाटर वेस्ट प्लांट इंडस्ट्रियल पावर जनरेशन प्लांट पेट्रोलियम माइनिंग एंड केमिकल ये सब इंडस्ट्रीज में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम लोग यूज करते हैं चलिए नेक्स्ट देखते हैं देखिए कुछ इस तरह से आपका डायग्राम दिख रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप का ये आपका लाइन डायग्राम इसे बोलते हैं इसे लाइन डायग्राम बोलते हैं देखिए इससे पहले एक हम लोग फिगर देखते हैं वहां से समझते हैं देखिए ये वाला फिगर फर्स्ट फिगर ये देखिए ए फिगर इस फिगर को आपने घर में देखा होगा ए आपका इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है और ए भाग जो है ये पंप लगा हुआ है ये क्या है एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है और ये पंप लगा हुआ है और एक यहाँ पर ट्रांसमिटन ट्रांसमिशन रोड लगा हुआ है जो आपको ए, सबसे पहले क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और और ये जो पंप है मकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ये पूरा टोटल इक्विपमेंट को हम लोग पंप बोलते हैं इसे यहाँ पर एक सेपरेट फिगर बना हुआ है ये आपका पंप है ये आप घर में देखे होंगे ये मोटर लगा हुआ है जो मोटर क्या करता है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और एक आपका पंप हो गया तो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में या फिर हाइड्रो एनर्जी में कन्वर्ट करता है नीचे नीचे देखिए एक आपका फिगर है ए, ए आपका थ्री डी फिगर टाइप का है देखिए ए जो है आपका ड्राइवन ड्राइवन सॉफ्ट है जो आपको मोटर से कनेक्ट रहेगा और ए आपका डिस्चार्ज है यानी इसके थ्रू आप वाटर बाहर निकलेगा अब ए डिफ्यूजर है डिफ्यूजर डिफ्यूजर के ऊपर एक इम्पेलर लगा होता है इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं बढ़िया से देखिए इस डायग्राम को आप बढ़िया से देखिए ये बीच में लगा हुआ ये साफ्ट है ये साफ्ट है ये साफ्ट क्या होगा ये मोटर से कनेक्ट रहेगा अब देखिए नीचे का जो पाइप दिख रहा है नीचे का पाइप नीचे का पाइप है जो क्या रहेगा एक रिजार वाटर वायर, वायर से कनेक्ट रहेगा वाटर वायर से कनेक्ट रहेगा उसे हम लोग संप बोलते हैं और नीचे का पाइप को हम लोग सक्शन पाइप बोलते हैं कौन सा पाइप सक्शन पाइप जिसके थ्रू पानी जिसके थ्रू लिक्विड या फिर वाटर आपको इम्पेलर के पास जाएगा नीचे आपको एक लगा हुआ अस्टेनर लगा हुआ है अस्टेनर इसको हम लोग अस्टेनर बोलते हैं इसको हम लोग अस्टेनर बोलते हैं एक्चुअली स्टेंडर करता क्या है देखिए अगर ये खुला हुआ रहेगा तो इसके अंदर डस्ट डस्ट वगैरह सैंड वगैरह या फिर स्टोन वगैरह अंदर चला जाएगा ठीक है ये अंदर जाके यहाँ पर जाके जाम हो जाएगा इसके कारण यहाँ पर एक स्टेंडर लगा हुआ रहता है जिसके अंदर सिर्फ वाटर ही एंट्री कर पाता है ये फ्लूड यहाँ से फ्लो होगा सक्शन पाइप के थ्रू और यहाँ पर लगा हुआ है सक्शन फ्लेंज फ्लेंज क्या होता है दो पाइप को ज्वाइंट करने वाले को हम लोग फ्लेंज बोलते हैं यहाँ से हम पाइप को हटा सकते हैं इसको हम लोग फ्लेंज बोलते हैं और यहाँ पर लगा हुआ है वैकम गेज यानी भाईकम के जो क्या होता है इधर भी वाटर हो जाता है और इधर भी वाटर होता है बीच में एयर एयर एंट्री कर जाता है जिसके कारण से क्या होता है फ्लू फ्लूड कनेक्ट नहीं हो पाते हैं जिससे हम लोग भाईकम गैस के थ्रू उस ए, उस एयर को निकाल देते हैं नीचे आपका हुआ है दिलिवरी पाएप। दिलिवरी पाएप ए, लगा हुआ है डिलीवरी पाइप डिलीवरी पाइप को डिलीवरी पाइप लगा हुआ है और ये डिलीवरी वाल्व हुआ है वाल्व का मतलब हो गया कि यहाँ से हम लोग ओपन करके फ्लूड को बाहर निकाल सकते हैं ये हो गया आपका डिलीवरी फ्लेंज फ्लेंज क्या होता है डिलीवरी पाइप और एंड डिलीवरी पाइप और पंप को एक दूसरे से कनेक्ट करता है और ये जो साफ्ट है आपका ये इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट रहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर हो गया या फिर ओएल uh, इंजन भी आईसी uh, इंजन भी कनेक्ट रहते हैं ए आपका के केजिंग हो गया इसको ऊपर वाले भाग को हम लोग केजिंग बोलते हैं और ए आपका संप हो गया यहाँ से वाटर को लो लो लेवल से ए आपका वाटर फ्लूड uh, का फ्लूड का लो लेवल हो गया और ये फ्लूट का हाई लेवल हो गया फ्लूट का हाई लेवल हो गया तो फ्लूट क्या हुआ लो लेवल से हाई लेवल को ए, हाई लेवल में कन्वर्ट कर दिया गया है तो ऐसे इक्विपमेंट का हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं इस तरह से देख सकते हैं इसका थ्री डी डायग्राम बना हुआ है यहां पर ये आपका ये आपका इस इस तरह से आपको आप लोग घर में देखे होंगे एग्रीकल्चर में ये यूज, यूज किया जाता है इस इक्विपमेंट का इस इक्विपमेंट का इसे हम लोग पंप बोलते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर की जगह हम लोग और भी यूज कर सकते हैं जैसे आईसी इंजन होता है आईसी इंजन भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके एक एक पार्ट्स को बारे में डिस्कस करेंगे तो आज के लिए थैंक यू